ईद उल फितर का दिन पवित्र रमजान माह के बाद आता है, जब सभी लोग पूरे माह रमजान के रोजे रखने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं। आज कसरौद में भी ईद उल फितर का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के बिलाल शाह नगर स्थित ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बड़े उत्साह के साथ ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे, तो बच्चों ने वहां लगे मेले में खिलौने खरीदे और चाट पकौड़ों का आनंद उठाया। कसरावत तहसील के नाम नदी, दोगावा, बलकवाड़ा, बालसमुद, पिपलगोन सहित क्षेत्र में भी अमन शांति के साथ नमाज अदा की गई। सुबह करीब 9 बजे नईम अख्तर शहर काजी कसरावत ने ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा करवाई। इस अवसर पर पूरे प्रदेश, जिले और शहर में अमन शांति की दुआ की गई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर कसरावत SDM संघ प्रिय, SDOP कसरावत थाना प्रभारी सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। हालांकि पिछले दिनों खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगों से प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, जिसको लेकर लगातार पुलिस गश्त कर रही थी। वहीं ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। एक ही दिन ईद, अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती होने से प्रशासन की परेशानियां बढ़ गई थी, लेकिन कसरावत नगर ने एक बार फिर बता दिया कि यह शहर है अमन का, यहां की फिजा है निराली, यहां पर सब शांति शांति है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। अमन और शांति से ईद मनाई गई, इसमें संदेश क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले आज ईद के अवसर पर मैं पूरे कसरावत वासियों को, सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अपने कसरावत में सभी जगह बहुत ही शांतिपूर्वक पूरे सौहार्द के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं सभी को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।